सारे पार्टियों ने देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में सब राज्यों के जो प्रतिनिधि आए थे, अलग अलग राज्यों के नेता आए थे जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और अच्छा परिणाम भी उनके पक्ष में आया है, तो पहले तो सबने एक स्वर में इस देश की जनता को बधाई दी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए, और एक मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि ये जो जनादेश है, ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मोदी सरकार के नफरत की राजनीति के खिलाफ है, और हमारी लड़ाई इन ताकतों के खिलाफ जारी रहेगी, साथ ही साथ सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा इस सरकार को रोकने के लिए, क्योंकि जनादेश इनके खिलाफ है। सर, आपको लगता है कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ चलना, मतलब ठीक से चल पाएगी? देखिए, उनका तो इतिहास रहा है, जो भी उनके गठबंधन में आया उसको उन्होंने खत्म किया है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा, अकाली दल की हालत देखिए, अलग अलग राज्यों में उन्होंने पार्टियों को तोड़ा, तो उनका तो इतिहास यही रहा है। जेडीयू के भी विधायक उन्होंने जब गठबंधन में थे तब तोड़ लिए थे, तो जो उनके साथ जा रहा है उसको ये मालूम है कि बीजेपी का चरित्र क्या है। बीजेपी पार्टियों को तोड़ने में यकीन रखती है, इसलिए वहाँ जाने से पहले सब अपनी सावधानी बरतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर, तो अब तो आप लोग ने डिसाइड कर लिया कि ऑपोजिशन पे बैठेंगे, तो आपके सबसे प्रमुख मुद्दे क्यों? नहीं, ये किसने कहा आपसे कि हमने डिसाइड राइट नाउ कि यू विल नॉट? हमने ये कहा कि भाई हम सही समय पे सही एक्शन लेंगे, सही समय पे सही निर्णय लेंगे, वो सही वक्त आने दीजिए।